आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोविंद जी महाराज मंदिर के बारे में। तो अभी आप देख रहे हैं यह है प्राचीनतम गोविंद जी महाराज मंदिर, जिसका यहाँ पे एंट्री गेट आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। और आप कभी यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वानर सेना थोड़ा परेशान कर सकती है, आपका चश्मा मोबाइल वगैरह छुड़ा सकती है। फिर बाद में आपको उनको जो है बदले में फ्रूटी वगैरह केले वगैरह देने होते हैं और अपना सामान लेना होता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको कैसा दिखाई देता है श्री गोविंद जी का मंदिर। तो आप देखेंगे यह मंदिर जो है बहुत ही पुराना है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपने गौर किया हो तो इस मंदिर में जो है किसी पिक्चर की शूटिंग हुई है, वह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी पिक्चर थी जिसकी यहाँ पर शूटिंग हुई है। एरिया भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे शूटिंग वगैरह हुई है। तो देखेंगे दोस्तों, यह है श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। यह मंदिर जो है वृंदावन का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर। तो ये देखेंगे आपके सामने रहे श्री गोविंद मदन महाराज जी, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आइट साइड के नज़ारे की, आइट साइड से पूरा कैसा दिखाई देता है श्री गोविंद जी महाराज का मंदिर। तो देखेंगे यहाँ पे इतना प्यारा बना हुआ है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत ही पुराना मंदिर है, वृंदावन के पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इस मंदिर को घूमने अगर आप आते हैं तो आपको जो है वह पुराने वृंदावन आना होगा, क्योंकि आपको सारे पुराने मंदिर जो है वो पुराने वृंदावन में ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप लोग, पितर की शूटिंग हुई थी। इस सीन से आपको कुछ याद आ रहा होगा, आगे हम जाएंगे और वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं यह है वो जगह जहाँ पे जो है शूटिंग की गई थी और यहाँ पे सॉन्ग वगैरह को यहाँ पे पिक्चराइज किया गया था। तो दोस्तों ये है पूरा मदन जी का मंदिर जो है कुछ इस प्रकार से दिखाया है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही भव्य है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है।